नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 6 अकलमंदी इस पद्य का अध्ययन करेंगे। यहाँ हास्य के माध्यम से कवि ने प्रकृति में जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। पद्य पाठ परिचय। प्रकृति जो कुछ भी करती है बहुत सोच समझ कर करती है। हमें उसके कार्य पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। इस कविता में वर्णित घटना में यदि आम बेल में लगे होते तथा तरबूज पेड़ पर लगे होते तो मियां मिट्ठू की नाक का पता भी नहीं चलता। इस कविता में कवि ने हास्य के माध्यम से प्रकृति में जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। अब हम देखेंगे पद्य पाठ का सरल अर्थ। किसी गांव में मिट्ठू नामक एक मियां जी रहते थे। बात बात में खुद को खूब अकलमंद कहते थे। बात दुरुस्त ना लगे किसी की आता काम पसंद नहीं। नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहां कहीं। किसी गांव में मियां मिट्ठू नामक एक मियां जी रहते थे। वे स्वयं को बहुत बुद्धिमान कहते थे। यदि मियां को किसी की बात पसंद न आती या किसी का काम ठीक न लगता तो उससे तर्क वितर्क करते रहते थे। एक दिवस ससुराल पहुंचने की उसने मन में ठानी। कपड़े पहन उठा कर थैला फिर सिर पर छतरी तानी। तेज धूप में चलते चलते तन से स्वेद लगा झरने। फाड़ फाड़ कर आंखें मिट्ठू वृक्ष तलाश लगा करने। एक दिन मियां मिट्ठू ने अपने ससुराल जाने का निश्चय किया। ससुराल जाने के लिए उन्होंने कपड़े पहने थैला लिया तथा सिर पर छतरी तान कर निकल पड़े। तेज धूप में चलने के कारण उनके शरीर में पसीना निकलने लगा। गर्मी और धूप से परेशान मियां मिट्ठू एक पेड़ की तलाश करने लगे। पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह आनंद भी बोर हुआ। उसकी ठंडी छाया में बस खूब मजे से लेट गया। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था। देख देख वह शोभा उसकी फुला नहीं समाता था। जब उन्होंने आम का एक सुंदर पेड़ देखा तो वे खुश हो उठे। वे आम के पेड़ की सुंदर छाया में लेट गए। उनके पास ही एक हरा भरा खेत लहरा रहा था। हरे भरे खेत की शोभा देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया। कुछ मीठे तरबूज वहां से तुरंत तोड़ कर ले आया। खा कर के तरबूज मियां ने ऊपर को जब देखा तो मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। खेत में बड़े बड़े तरबूजों को देखकर उसका मन ललचाने लगा। उनसे रहा नहीं गया और खेत में कुछ मीठे तरबूज तोड़ कर ले आए। तरबूज खाकर जब मियां मिट्ठू ने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें आम के पेड़ में आम के मीठे मीठे और रसीले फल दिखाई दिए। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा लिए टूड़ा घुटने तकने। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा लिए थोड़ा घुटने तकने।
हाथ न आते देख आम तब चोरी तान लगा बकने। खुदा बड़ा ही बेवकूफ है कैसे उसको समझाऊ, अगर कहीं मिल जाए मुझको तो कच्चा ही खा जाऊ। मीठे आम तोड़ने के विचार से वे पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ से गिर पड़े और उनके घुटने टखने टूट गए। जब आम मियां मिट्ठू के हाथ नहीं लगे तब वे गुस्से और नासमझी में कहने लगे कि खुदा बड़ा ही बेवकूफ है, उसे कैसे समझाओ, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे कच्चा ही खा जाऊंगा। देखो बेवकूफ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं, कितने छोटे आम दरख्तों पर ऊंचे लटकाए हैं। अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर, भगा पेड़ों पर तरबूज व बेलों पर चट देता आम लगा। वह कितना मूर्ख है कि खेतों में उसने बड़े बड़े तरबूज लगाए हैं, जबकि पेड़ों पर छोटे छोटे आम के फल लगा दिए हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं खुदा होता तो उनके द्वारा की गई सारी गलती दूर कर देता, मैं पेड़ों पर तरबूज और खेतों में आम के फल लगा देता। देता रहा खुदा को गाली, आया मन में खेद नहीं, ठंडी हवा चली मिट्ठू को निधड़क आई नींद वही। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा, टूटी नाक मियां मिट्ठू की, खून बह निकला बहुतेरा। वह खुदा को लगातार भला बुरा कहता रहा, उसके मन में जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ। ठंडी हवा चलने से मियां मिट्ठू को नींद आ गई। उसी समय अचानक पेड़ से आम का एक फल मिट्ठू की नाक पर गिरा तथा उसकी नाक से रक्त की धार बहने लगी। ऐसी हालत में मिट्टू से दर्द न झेला जाता था, फूट फूट कर रोता था, ओ नाक नाक चिल्लाता था। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने, हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। मियां मिट्ठू दर्द नहीं झेल पा रहे थे, वे नाक नाक चिल्लाते हुए रोते जाते थे, उनके मुंह पर आंसू और खून की धार बहने लगी, हाथ जोड़कर वे रोते हुए, खुदा बड़े बहुत अकलमंद हो, मुझे लगा है आज पता, नहीं बुराई कभी करूंगा, कह दो मेरी माफ खता। अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते, मेरा निकल कछू मर जाता, घर वाले किसको रोते। खुदा को अकलमंद कहने लगे, उन्होंने कभी भी खुदा की बुराई ना करने का निश्चय किया। उन्होंने खुदा से अपनी गलती माफ करने के लिए कहा, यदि आम के पेड़ पर तरबूज लगा होता तो मेरी नाक कछूमर बन जाती, मेरा चेहरा भी तो पहचान में ना आता, फिर मेरे घर वाले किसके लिए रोते। देखा आपने, इस प्रकार इस कविता में कवि ने हास्य के माध्यम से प्रकृति में जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया है। शब्दार्थ अकलमंद, बुद्धिमान, दुरुस्त, ठीक, आनंद विभोर, खुश, प्रसन्न। त्योरी भोए, दरख्त यानी पेड़, कछुमर यानी कुचली हुई वस्तु, निधड़क निडर, खता गलती। धन्यवाद। ट्राइब शेयर जरूर कीजिए।